गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं अगेन किचन पे, किचन से मेरा लगता है बहुत लंबा दोस्ती रहेगा, क्या बोलते हो गाइस? और रहना भी चाहिए, लड़कियों को थोड़ा शोभा देता है किचन पे रहना। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में, मम्मी कुछ और बना रही हो, मैं कुछ और बना रही हूँ, तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ लस्सी, वन एंड ओनली नूडल्स, मैगी नहीं, मैगी नहीं है, चाउमीन है। हाँ, चाउमीन बना रही हूँ मैं। क्या ज़बरदस्त मैंने चाउमीन बनाए यार, मस्त लग रहा है, खाने में भी ज़बरदस्त था। और संडे को फंडे बनाने के लिए मस्त चिकन भी मंगवा लिया। अब ये देखो गाइस, मैं चिकन इस तरह से बनाती हूँ फ्राई करके, ये रहा, क्या लग रहा है यार। कभी कभी अपने आप को ना बहुत शाबाशी देने का मन करता है। क्या ज़बरदस्त कुक हूँ मैं, क्या मस्त बनाया मैंने चिकन, डिलीशियस, वेरी गुड। और यहाँ पर मेरा बेटा मस्त खाना खा के चैन की नींद सो रहा है और सपनों में खोया हुआ है। जब बाप इतने चैन से सो रहा है तो बेटी क्यों ना सोए, नौरा भी सो रही है। Hey guys, तो अभी ये दिन का टाइम हो रहा है और सभी कोई खा पी के आराम कर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं बातें ही कर लेती हूँ। दिन में मैंने तो चिकन बनाया था, चावल, पापड़, सलाद, यही सब था, खा पी के सब डकार लिए। और अभी एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा कि काश वो बंदा या वो बंदी उसके लाइफ में या उससे नहीं मिली होती तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा यही कहना है कि कभी किसी के होने से या उससे मिलने से, उसके लाइफ में आने से कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आता है किसी के लाइफ में तो बेवजह नहीं आता है। उसके आने का ज़रूर कोई मकसद होता है उसके लाइफ में, और सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई ना कोई लेसन ज़रूर दे के जाता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अरे यार, पता नहीं हमें ये लाइफ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो कैसी लाइफ होगी, इंसान बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, हु नोज, किसे पता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग अगर अपना लाइफ जी रहे हो तो किसी चीज़ का रिग्रेट मत करो यार, मत करो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि जो सर्वाइव करना है ना अपन को, मतलब लाइफ में, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रियली दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो सर्वाइव करना ही पड़ता है। ये मैंने अभी तक के मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मैं कभी चीज़ ऐसा लगता है कि क्यों मैं, लेकिन ये उस टाइम आपको आंसर नहीं मिलेगा क्यों मैं का, लेकिन कभी ना कभी आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा क्यों मैं। चलो गाइस, आज लगता है कि मैंने बहुत डीप बात कर ली, इतना डीप बात करना सही नहीं है, लाइफ को इन्जॉय करो। हाँ, कम ज़्यादा चलता रहता है बट चलेगा। ओके, सो स्टे ट्यून गाइस। फिर शाम में मम्मी पापा लोग के लिए चाय बनाया। फिर शाम 7 बजे के बाद मैंने स्प्लिट्स विला देखना शुरू कर दिया, क्योंकि संडे शाम 7 बजे 1 घंटे 7 से 8 स्प्लिट्स विला देता है, ये मैं देख रही हूँ। घर पे ये लास्ट 2 स्लाइस बचे हुए आम के, और ये आम मैं ना खाऊं, बहुत टेस्टी है गाइस। ओके गाइस, तो वीडियो अब मैं यही एंड करती हूँ आम खाते हुए, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, लव यू।